पिछले कुछ घंटों में अगर देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में नया भूंचाल आया हुआ है। एक तरफ जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो सस्पेंड उनको कर दिया जाता है क्योंकि बार बार वेल में घुसते हैं, इशारा करते हैं यहाँ पर राज्यसभा सभापति की तरफ। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है कि RRTS प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ नहीं आपसे निकल रहे, 3 साल में 1100 करोड़ खर्च कर दिए विज्ञापन पर। पूरी फटकार लगाई जाती है कि अब जो है अगर आपने पैसा नहीं दिया तो विज्ञापन जो है बजट सील कर दिया जाएगा। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के, उस बारे में जो है पूरी जानकारी रखेंगे। डॉक्टर आशीष जी, मुद्दे बहुत हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात हो जाए, वो धरने पे बैठे हुए हैं, पूरी रात धरने पे बैठे रहे कि ये क्या हो रहा है, मोदी जी हमसे डर गए, हमको जो है निलंबित कर दिया जा रहा है, हमारा जो है सामना नहीं कर पाएंगे इसलिए निकाल दिया जा रहा है, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी। देखिएगा, बहुत क्लियर समझने की बात है, जो लोग आम आदमी पार्टी की रणनीति, राजनीति और कुनीति जानते हैं उन्हें पता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफ्लेक्शन खेलते हैं, अर्थात इनको असल मुद्दे से भाग के जनता का ध्यान कहीं और भटकाना है। असल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि साल में सिर्फ 3 सत्र पार्लियामेंट के होते हैं, इस समय मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में 31 बिल पेश किए जाने हैं जो कि भारतवर्ष के लिए बड़े जरूरी हैं। उनमें से पहला बिल है अध्यादेश को बिल बनाने का, और ये बात उन्हें मालूम है, और वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के इस अध्यादेश को बिल में बनने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में भी रैली कर ली जहां उन्होंने ये पखंड किया कि पूरी दिल्ली इस बिल के अगेंस्ट है, जबकि मात्र 50,000 लोग इकट्ठे हुए जो कि पूरी दिल्ली की आबादी के 0.4% है। उसमें मैं खुद गया था, कुछ तो राजस्थान, गुजरात, बाकी जी सिर्फ 0.4% लोग थे टोटल। फिर वो गए कटोरा लेके राज्य के हर राज्य में, भैया 2 MP दे दो बाबा, कोई MP हमारी मदद कर दो बाबा, इस राज्यसभा में बिल को पास होने से रोक दो बाबा। अब उन्हें समझ में आ गया कि वो भी होने वाला नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं जिनमें से 237 इस समय टोटल हैं और मेजोरिटी के लिए चाहिए 119। उस 119 में से NDA के पास ऑलरेडी 112 सीटें हैं, यानी आज भी अगर वोटिंग हो जाए तो 112 तो NDA के वो खड़े हैं, 119 में से चाहिए 7 मालूम कितने में से चाहिए, बाकी बचे 129 में से। क्या लगता है आपको 129 में से 7 भी हम नहीं ले आ पाएंगे? अब आखिरी तरीका उनके पास क्या बचा कि पार्लियामेंट होने ही ना दो, अगर पार्लियामेंट ना बजेगा ना होगा, वहां से ना बजेगी बांसुरी, पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो बिल कहां से आएगा। इसलिए ये अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, कभी मणिपुर को लेके, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और अब अपनी निलंबन को लेके, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाएगा तो राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी के पास ये राइट है कि वो इस मोशन को एग्री करें, जिस मोशन को हाउस के लीडर ने, पीयूष गोयल जी ने उठाया था और पूरे हाउस ने सपोर्ट किया, उन्होंने तो सिर्फ डिक्लेयर किया है। गृह मंत्री अमित शाह कह तो रहे थे कि चर्चा के लिए तैयार हैं, और उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा के लिए, क्योंकि गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी है मणिपुर में जो हो रहा है, आंतरिक मसला है, लेकिन हंगामा लगातार। देखिए, मैंने कहा ना, एक होता है कि किसी विषय पे विपक्ष का एक हमराय ना होना, एक होता है मुद्दा क्रिएट करना। अब यहाँ पे जब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आके वक्तव्य दे रहे, अरे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, होम मिनिस्टर देंगे, डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी आके अपनी बात रख चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी, लेकिन उनका एक ही विषय है कि भैया इस आर्टिकल में नहीं करा के इसमें कराओ, ये ना वक्तव्य दे के ये दे। बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप कम से कम चर्चा होने दीजिए, आप संतुष्ट नहीं होंगे तो वॉकआउट कीजिए या फिर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कीजिए, पर चर्चा तो होने दीजिए। लेकिन वो अराजकता दिखाने का जो उनका निर्णय है वो ये नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि 1 मिनट का पार्लियामेंट का रनिंग कॉस्ट 2.5 लाख रुपया आता है, 1 मिनट का, 1 घंटे का 1.5 करोड़ आता है, और एक दिन में जहां 6 से 8 घंटे काम होता है वहां 9 से 12 करोड़ रुपया खर्चा आता है। 3 दिन अब तक वॉशआउट हो चुका है पार्लियामेंट, आज 4th दिन है, 3 दिन में अब तक भारत की जनता की गाड़ी कमाई का 27 से 30 करोड़ रुपया मॉनसून सेशन में धुल चुका है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? विपक्ष को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और भारत की जनता के प्रति वो जवाबदेही है उनकी। दूसरी तरफ अगर बात की, इससे आगे बढ़े RRTS प्रोजेक्ट जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है, देश में पहला ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली से कनेक्ट होकर मेरठ तक जाएगा, 30,000 करोड़ प्लस उसकी कॉस्ट है, और
30,000 प्लस मैंने तभी मोटा मोटा फिगर बताया, उसमें 415 करोड़ इनको देने हैं। इन्होंने बार बार कहा फंड नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, हम तो असमर्थ हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप दो हफ्ते में हलफनामा दीजिए, तीन साल में कितना विज्ञापनों पर खर्च हुआ, अब आ गया 1100 करोड़ और चौकन्ने हो गए सभी। बेंच डबल बेंच जो थी वो भी हैरान होगी, 1100 करोड़ उसके लिए दे दिया विज्ञापनों पर, इसके लिए पैसा नहीं है आपके पास। मैं इसके ऊपर भी थोड़ी और अतिरिक्त रोशनी डालना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से ये बात रखी है, लेकिन और इसके कुछ फाइनल डिटेल्स हैं। पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये 31,000 से ऊपर करोड़ का है। इस 31,000 करोड़ में उत्तर प्रदेश सरकार की कंट्रीब्यूशन रहेगी, दिल्ली सरकार की रहेगी और सेंटर की रहेगी। सबसे पहले जब ये प्रोजेक्ट आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं कहा, दिल्ली सरकार ने हो हल्ला रोला रप्पा मचा दिया कि हम इसमें पैसा नहीं देंगे, सेंटर ही देगी जो देगी, जो सेंटर तुमको पालता रहे, टैक्स सारे तुम लो, पैसा तुम ना दो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया नहीं, आपकी भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना बनता है, जवाबदेही बनती है। तो जवाबदेही सेट हुई कि जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है 5,800 करोड़ रुपया, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है 5,800 करोड़ रुपया, सेंटर दे रहा है 5,700 करोड़ रुपया, उसके सामने दिल्ली सरकार को कहा गया सिर्फ 1100 करोड़ देने को। इसके अंदर भी इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई, इन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है। पूछा गया पैसा क्यों नहीं है, बोले कोविड में सारा खर्च हो गया और उसके अलावा सेंटर ने हमें जीएसटी का पैसा दिया नहीं। फिर इनको फटकार पड़ी कि भैया आप बाकी सारी चीजें भी तो कर रहे हो, आप कैसे कह रहे हो पैसा नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि भी हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर क्या हुआ, मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, आपके पास एक फंड रखा हुआ है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फंड, एक इकट्ठा किया हुआ है। वो क्या है, जो डीजल की गाड़ियां 2000 सीसी से ज्यादा है उनके ऊपर एनवायरमेंट को बचाने के लिए एडिशनल टैक्स या कर लगाया गया था, वो 1000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वहां से 500 करोड़ रुपया लेके दे दीजिए, बराबर है, लेकिन ये याद रखिएगा इसका आपको प्रोविजन अपने बजट में करना है, ये तो फिलहाल इंटरिम रिलीफ है कि काम ना रुके। उन्होंने उसमें से पहले 265 करोड़ रुपया निकाला 2019 में, फिर अब दोबारा 500 करोड़ रुपया निकाला, अभी भी 415 करोड़ बकाया है और वो फिर खड़े हो गए हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुंदक में आके कहा कि वैसे तो फाइनेंस हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, पर जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, जिस तरह के गवर्नमेंट के पैसे को आप मिसयूज कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, आप अपना पूरा डिटेल दीजिए। और उस डिटेल में आया तीन साल में 1100 करोड़ रुपया ये एड पे खर्च कर चुके हैं। भाई साहब, तीन साल में 1100 करोड़ का मतलब होता है एक साल का 365 करोड़, जिसका मतलब होता है एक दिन का 1 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का आपने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगा दिया, 1 करोड़ पर डे। और उसके सामने से जब बेसिक एमिनिटीज देने की बात होती है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बाढ़ का टाइम हो, और चाहे अब वो ये प्रोजेक्ट हो फॉर द ग्रोथ ऑफ दिल्ली, आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है। ये दोहरा चरित्र, ये नीच राजनीति आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब ये सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ये भी निर्देश दिया है कि अगर ये 415 करोड़ 2 महीने में नहीं दिए दिल्ली सरकार ने, तो उसके बाद आपका जो ये विज्ञापनों का पूरा बजट है इसको हमें सील करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। बिल्कुल ना, और ये आज की बात नहीं है, अगर आपके ध्यान में हो तो इसके ऊपर, इनके एडवर्टाइजमेंट बजट के ऊपर पहले भी सेंटर, खासकर एलजी साहब ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। आपको याद होगा जब ये बजट पेश होना था, मैं डेट भी बता देता हूं आपको, 21 मार्च 2023 को दिल्ली का बजट आना था, एलजी साहब ने उस चीज को बजट को रोक दिया क्योंकि उन्होंने उसमें एक रेड फ्लैग लगा दिया, हल्ला मचा था उस टाइम, रेड फ्लैग लगा दिया एलजी साहब ने कि इसमें तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट बजट के ऊपर देखो तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है। और इन्होंने हल्ला मचा दिया कि एलजी साहब बजट पास नहीं कर रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सब नॉनसेंस इन्होंने लोगों के बीच फैलाना शुरू कर दिया। और उस समय एलजी साहब ने यह पॉइंट आउट किया था कि 9 साल में दिल्ली का बजट 15 करोड़ से बढ़ के 565 करोड़ हो चुका है, एन इंक्रीज ऑफ 3,785% इन जस्ट 9 ईयर्स। ये कर दिया दिल्ली का हाल इन्होंने। आखिरी कमेंट, लगातार बहुत महीनों से बीजेपी सड़कों पर है, आज भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनका तो कोई रिएक्शन नहीं आता इस चीज पे, लग रहा है वो इस्तीफा देंगे। देखिएगा, हर किसी की ना चमड़ी अपनी अपनी होती है, किसी की पतली तो किसी की मोटी, वो बड़ी ही मोटी चमड़ी के निवासी हैं, वो इस तरह की बातों से उनको बेशर्मी की इंतहाएं पार कर चुके हैं। वो जो अपने वरिष्ठ नेताओं को राजगुरु और सुखदेव कह के घोषित करते हैं, वो जब जेल जाने की तैयारी में होते हैं, तो भगवान राम से भी कर दिया आतिशी मार लेना ने, मनीष सिसोदिया और अजी, आप छोड़िए, अब मैं क्या कहूँ, उनका नाम ही बताता है बहुत कुछ, अब इससे ज्यादा कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता, समझदार को इशारा काफी है। जो भारत की निंदा भारत से बाहर जाके फॉरेन सॉइल में कैम्ब्रिज में जाके करे, भारत को देश कहे ऐसा जो कि
प्रताड़ित है, पीड़ित है, जहाँ पे अन्याय हो रहा है अनुसूचित जाति के ऊपर और सारी गलत भ्रांतियाँ, पुअर इंडेक्स का जिक्र करे, ऐसी अतिशी जी को क्या कहूँ मैं जो भारत ने राहुल गांधी को ही कॉपी कर रही है। नहीं नहीं बिल्कुल कर रही हैं, क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बी टीम है कांग्रेस की, कांग्रेस जो जो कर रही है। और लेकिन मजे की बात क्या है, ये इन दोनों में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है ना, ये ईंट कुत्ते का इनका बैर आगे आगे देख। आप कांग्रेस नेता वो तो बिल्कुल नाराज, एकदम अलग चल रहे। पंजाब कांग्रेस नेता नाराज क्यों नहीं होंगे, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कांग्रेस के साथियों के ऊपर वहां पे विजिलेंस सेल छोड़ दिया, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को जेल में डाल दिया, और मतलब बड़े बड़े नेताओं को इंक्वायरी के लिए विजिलेंस सेल ने बुला लिया, इस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। और वो ममता बनर्जी जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को वहाँ मरवा रही है, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस कुछ नहीं कहती है। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह चुकी है कि कांग्रेस हमारी नीतियों को कॉपी कर रही है। और सच में कांग्रेस की तो ये हालत है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई पार्टी के आगे घुटने टेक देती है जब वो ये कहती है अध्यादेश में सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हारी विपक्षी एकता में नहीं आएंगे, और वो उसके आगे घुटने टेक देती है। और आज भी राज्यसभा के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है अध्यादेश नहीं लाने में, ये दिखाता है कि चोर चोर मुसेरे भाई हो चुके हैं। और जब किसी जंगल में एक घाट पे सारे जानवर अपनी जाति और अपने डिफरेंसेस भूल के पानी पीने शुरू कर दें तो समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पे एक शेर पानी पी रहा है, जिसके डर से ये सारे इकट्ठे होने पर मजबूर हो चुके हैं। इसका आपने जिक्र कर दिया, मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन अब एक छोटा सा 10 सेकंड का कमेंट लूंगा। INDIA कहा जा रहा है बार बार राघव चड्ढा से लेकर तमाम नेता कि अब बीजेपी वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया को नहीं हरा पाएंगे। नाम तो रखा है इंडिया, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं पूरे देश को ऐसे जोड़ रहे हैं कि हम ही इंडिया। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से सभी अपने मीडिया के भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि इसका नाम INDIA है, और जहां 5 शब्दों में 4 बार फुल स्टॉप लग जाए तो वहीं समझ जाना चाहिए कि यहां ग्रोथ क्या होगी। और दूसरा, नॉर्मली क्या होता है, हमेशा किसी भी चीज़ का पहले नाम रखा जाता है, बाद में उसकी एब्रीवेशन सेट होती है। यहाँ पे इसे विपरीत हुआ है, इन्होंने पहले एब्रीवेशन सेट की है अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये उचित है या अनुचित है, आपके दर्शक खुद इसका फैसला करें। मान लीजिएगा, मैं तो इसकी भरसक निंदना करता हूँ कि इस तरह का नाम रखना गलत है। मान लीजिए कल हमें पता चलता है कि इनके बीच में टूट हो गई, तो हम क्या कहेंगे या प्रेस क्या कहेगी, इंडिया में हुई टूट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? हमें पता चलता है कि इनके कुछ नेता भ्रष्ट पाए गए हैं, हम क्या लिखेंगे हेडलाइन, इंडिया में नेता भ्रष्ट पाए गए, क्या ये सही गाइडलाइन है? अगर हमें पता चलता है कि इनकी करारी हार हो गई तो हम क्या लिखेंगे, चुनाव में इंडिया की करारी हार, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूं, दर्शकों से पूछता हूं, क्या इस तरह का नाम रखना अलाउड होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी बाना खंबा रोड के अंदर इसके अगेंस्ट FIR हो चुकी है, और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि ये नाम इनको बदलना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडिया का नाम, इंडिया के फ्लैग की यूज़ या और हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये गैर संविधानिक, गैर कानूनी है और हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसकी हम भरसक निंदा करते हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को, और तमाम मुद्दे जो इस समय चल रहे हैं देश में, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें जो चीज़ें देखने को मिली, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी केजरीवाल सरकार को, उसको लेकर के जो है अपनी राय रखी।